अक्सर चर्चा में रहने वाला रतलाम मेडिकल कॉलेज एक बार पुनः सुर्खियों में है। कोविड-19 से मृत एक मरीज के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठा दिए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने उनके कोविड-19 पेशेंट को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया था, तब उनके हाथ में सोने चांदी की अंगूठी तथा गले में सोने से जड़ा रुद्राक्ष का पेंडेंट था। इसके अलावा उनके द्वारा एक एंड्रॉयड फ़ोन भी मेडिकल कॉलेज में अपने पेशेंट से बात करने के लिए दिया गया था। ये सभी सामान गायब है तथा परिजन मृतक की आखिरी निशानी मांगकर उसकी मांग पर अड़े हुए हैं। इस संदर्भ में मेडिकल कॉलेज के द्वारा हाथ ऊंचे कर देने के बाद हंगामे जैसी स्थिति निर्मित हो गई तथा मामला औद्योगिक क्षेत्र थाने तक पहुंचा। इस दौरान विधायक राजेंद्र पांडे भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पांडे का कहना है कि मामला गंभीर है, अनियमितता सामने दिख रही है। जिला प्रशासन की मीटिंग में व्यवस्थाओं को लेकर कठोर निर्णय लिए जाएंगे तथा निर्देश दिए जाएंगे। जी की तबीयत खराब थी, मैं मंसूर से यहाँ पे उनको रेफर किया था, मंसूर से आया हूँ। कल 3 बजे उनको यहाँ पे एडमिट किया गया था, शाम को 7 बजे के आसपास ऐसा बताया गया कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में आज सुबह हमें बुला के ये कहा जाता है कि इस पेपर पर साइन कर दो। हमने कहा हमारे पापा के पास में जो मोबाइल और जो उनके हाथ में अंगूठियाँ हैं चांदी की और सोने की और गले में और सोने के अंदर रुद्राक्ष बैठा हुआ है और एक चांदी का तावीज है, मैंने कहा ये सामान जो थे वो, तो बोले उनके पास में किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था। नियंत्रण है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुझे भी व्यवस्था में दोष दिखाई देता है, और वही बात मैं अभी डीन को बुला करके आप सबके सामने कर रहा था। कुछ परिवारों की बातें यहाँ पर सामने आई हैं और उसी के माध्यम से ये भी महसूस हुआ है कि भीतर मेडिकल कॉलेज में एडमिट होने के बाद वो परिवार का सदस्य बेचारा जान ही नहीं पा रहा कि उस पेशेंट की, उसके परिवार की, सदस्य की क्या स्थिति है। अभी उनका परिजनों का कहना है कि इनके शरीर पे कुछ वस्तुएं सोने की अंगूठी और आदि थी तो वो नहीं मिल पा रही और मोबाइल था, तो उसके संबंध में इनका तो चर्चा की जा रही प्रबंधन से हॉस्पिटल के, और जो वस्तु स्थिति होगी उस अनुरूप कार्रवाई चौकसी कर रहे हैं, और जो सिस्टर्स लोग हैं और डॉक्टर्स को पूरी अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। इसको भी मैं सुपरिटेंडेंट साहब से पूछ के फिर आप